हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस इक्वेशन कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया है कि हाइड्रोजन जब ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। आपको पता है कि जो एटम होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में हम लिखा जाएगा एंड क्लोरीन Cl2 फॉर्म एंड इट फॉर्म HCl। तो आपको पता है कि बैलेंस के लिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने हमारे एलिमेंट्स हैं वही हमारे राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स उतने होने चाहिए और बैलेंस होने चाहिए। तो आपको पता है कि बैलेंस के लिए मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और आपको पता है कि बेरियम का जो सिंबल होता है वो Ba होता है, ठीक है, और क्लोरीन का Cl होता है। तो आप इधर देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड हमें कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे, Ba पर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पर जो चार्ज होता है वो -1, आपस में इनका जो चार्ज वैल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सेम ऐसे ही जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट की हम बात करेंगे बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट में जो एल्यूमिनियम चार्ज कैरी करता है वो 3 पॉजिटिव और SO4 जो चार्ज कैरी करता है वो 2 नेगेटिव, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा। पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट आपस में रिएक्ट करता है और फॉर्म